कभी भी शू ना छोड़ेगा, कभी भी शू ना त्यागेगा, कभी भी शू ना छोड़ेगा, कभी भी शू ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदा, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने हमें छुड़ाया है, और पिता परमेश्वर तू हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं, और पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला, रक्षा किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। इस भोर के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हम नाश नहीं हुए हैं, हम मिट नहीं गए, ये तो आपकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की आदर करें। हालेलुया। क्योंकि वो महिमा के योग है, वो आदर के योग है। मेरे प्रियो स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, जिसने हमें संभाला, रक्षा किया, और हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या एक माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? हाँ, वो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी भी भूलूंगा नहीं, कभी भी छोड़ूंगा नहीं, कभी भी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का ये वायदा है कि मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे हाथ से तुम्हें कोई भी छीन नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए मेरे प्रियो। हो सकता है आज आपको किसी ने धोखा दिया हो सकता आपको किसी ने छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी धोखा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। इसलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए मेरे प्रियो। आज अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपने बाल बच्चों को, अपने धंधों को, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, और कोई भी परमेश्वर के हाथ से आपको कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। रबा शंदा रबा ला रबा। हमारा परमेश्वर कितना प्यारा है, अपना परमेश्वर कितना महान है, जो हमसे प्रेम करता है, हमसे प्यार करता है, हमारे ऊपर करुणा करता है, हम पर अनुग्रह करता है, और हमारे मांगने से भी ज्यादा देता है। हालेलुया। हमारी योग्यता नहीं है, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है, और योग्यता से भी बढ़कर हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसके ऊपर भरोसा रखें मेरे प्रियो। परमेश्वर के हाथ से आपको कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के आप उस बलवंत हाथों के नीचे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के चरणों में आज जाइए और प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना करें मेरे प्रियो। सचमुच में एक माता अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर चली जाती है, वो भूल जाती है, वो कचरे के डिब्बे में छोड़कर चली जाती है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु कहते हैं, वो छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बहुत ही प्यारा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने हमसे प्रेम किया और एकलौते पुत्र को मेरे और आपके खातिर उस कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक एक बूंद का कतरा मेरे और आपके लिए बहा दिया मेरे प्रियो। इसलिए उसके ऊपर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, आपको कभी भी वो छोड़ेगा नहीं।
हो सकता है आज आपका परिवार ने आपको धोखा दे दिया होगा, आपके मम्मी पापा ने आपको धोखा दे दिया होगा, हो सकता है आपके बाल बच्चे आपको धोखा दे दिए होंगे, हो सकता है आपका पति आज आपको धोखा दे दिया होगा, हो सकता है आपकी पत्नी ने आपको धोखा दे दिया होगा। लेकिन मेरा खुदा कहता है, मैं अपने खोजने वालों को कभी भी धोखा नहीं दूंगा, ना कभी भी त्यागूंगा। मेरे प्रेम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और परमेश्वर के लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे, प्रभु के जन कभी भी लज्जित नहीं होंगे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, ना हमें कभी शर्मिंदा होने देगा, ना हमें काला मुंह होने देगा। प्रेज द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर महान है। इसलिए विश्वास के साथ आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको वो शांति देगा, वो तसल्ली देगा, वो प्यार देगा जो आज तक किसी ने आपको नहीं दिया। हो सकता आज आप उस प्यार के लिए तरस रहे होंगे, हो सकता आपका दिल बेचैन होगा, हो सकता आपको किसी ने सताया होगा और आज आप बेचैन होंगे मेरे प्रियो। लेकिन आज आज आपको परमेश्वर के कर्मों में आने की जरूरत है। उसने खुद कहा कि मैं ना तुझे धोखा दूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, यहोवा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए परमेश्वर के पास आइए। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं समय के लिए। पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, एक माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाती है, छोड़ देती है, कचरे के डिब्बे में फेंक देती है, लेकिन पिता परमेश्वर तू हमें उस कचरे के डिब्बे से छुड़ाकर हमें उस चट्टान पर उस सिंहासन बैठाता है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, उस चट्टान के ऊपर बैठाता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके संग बैठाता है प्रभु। तेरा वचन कहता है, मैं तेरे भीतर आकर तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ आनंद करेगा। हाँ खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। खुदा प्यारे परमेश्वर, इस समय में हम प्रार्थना करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, जिस जगह पर परमेश्वर तेरे लोग बैठे हैं, जिस स्थान से प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उस जगह को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर दीजिए, वो जगह पवित्र कहलाने पाए परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम उस तेरी वेदी के पास आते हैं, और पिता परमेश्वर उस वेदी के अंगारे से हमारे होठों को, हमारे मनों को छू दीजिए, ताकि हम पवित्र हो जाएं खुदा। और पिता परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से हम आपसे बातचीत कर सके प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता, जो त्यागे हुए हैं, जो भुलाए गए हैं परमेश्वर, अपने परिवार के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा, अपने पड़ोसी के द्वारा, अपने मम्मी पापा के द्वारा, अपने पति पत्नी के द्वारा, जो भुलाए गए हैं, जो त्यागे गए हैं परमेश्वर पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु। आज तू उनका परमेश्वर है पिता परमेश्वर, तेरे हाथ से उन्हें कोई छुड़ा नहीं सकता, तेरे हाथ से उन्हें कोई छीन नहीं सकता। तू उनका स्वामी है खुदा, और पिता परमेश्वर, जब तू उनका स्वामी है परमेश्वर, उनको कोई किसी प्रकार की भलुष्ट कमी ना होगी खुदा। तू शांति देगा, तसल्ली देगा, आराम देगा, विश्राम देगा पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप दे तू प्रभु। पिता परमेश्वर, जो विशेष करके उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु, इस समय में पिता परमेश्वर, अपने परिवार के द्वारा त्यागे गए हैं प्रभु, अपने बाल बच्चों के द्वारा, अपनी बहुओं के द्वारा त्यागी गई है परमेश्वर, और त्यागे गए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तू उन्हें कभी भी छोड़ेगा नहीं खुदा। पिता परमेश्वर, तू उनसे प्रेम करता है, तू उन्हें विश्राम दे, शांति दे, तसल्ली दे, उनकी आंखों में से आंसू को पोंछ दीजिए खुदा। पिता परमेश्वर, हम तेरे ही हाथों में सौंप देते खुदा। और पिता परमेश्वर, उन लोगों को जीवन को बदल दे जो ऐसा सताव करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन को बदल दे, अपने मम्मी पापा को सताने वाले ना बने परमेश्वर पिता। उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि तेरे प्रेम में बने रहे प्रभु। तेरा धन्यवाद खुदा। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो खुदा, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा। तू उनसे प्रेम करता है, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो बीमारी में है, नाना प्रकार की बीमारी है प्रभु। पिता परमेश्वर, किसी को मुर्गी की बीमारी है, तो किसी को पिता परमेश्वर कैंसर की बीमारी है, तो किसी को पिता परमेश्वर यूरिन का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी स्टोन है, किसी को रीढ़ की हड्डी में परेशानी है प्रभु।
पिता परमेश्वर जिनका ऑपरेशन होना है उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, कई प्रकार के नाना प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दे। तू उन्हें छुड़ाएगा परमेश्वर, उन बीमारियों से, उन तकलीफों से तू छुड़ाएगा। तू उनसे प्रेम करता है प्रभु, तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं उन खंडरों को भर दूंगा, मैं उस सूखी भूमि पर जल की धाराएं बहाऊंगा। हाँ प्रभु, तूने उठाकर खड़ा कीजिए। पिता परमेश्वर जो चल नहीं पा रहे हैं, पिता परमेश्वर जो लूलापन है, बहरापन है, अंधापन है, पिता परमेश्वर शरीर में कई कमजोरियां, जो हाथ पर चल नहीं पाते हैं, कार्य नहीं करते प्रभु, आज ही उनके पिता परमेश्वर हर एक पार्ट में पिता परमेश्वर नस नस में तेरा लहू पहुंचा दे प्रभु, तेरी सामर्थ को प्राप्त करे, उनके टखनों में बल आ जाए, उनके घुटनों में बल आ जाए, उनके शरीर में बल आ जाए और वो चलने फिरने वाले बन जाए। तेरा धन्यवाद खुदा। पिता परमेश्वर तू हमारी प्रार्थना को सुनता है खुदा, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते प्रभु। तू उन्हें चंगाई दे रहा है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। उन्हें तू छुटकारा दे रहा है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तू कभी भी धोखा नहीं देगा, ना कभी भी पिता परमेश्वर अपने लोगों को लज्जित होने देगा। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर उन जवानों के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु जो बेरोजगार है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके लिए जॉब का प्रबंध और व्यवस्था कीजिए खुदा, किसी भी हालत में उन्हें जॉब मिल जाए परमेश्वर। जो एग्जाम देकर आए हैं परमेश्वर उनका रिजल्ट अच्छा आने पाए, जिनका इंटरव्यू है परमेश्वर उनका इंटरव्यू अच्छा होने पाए। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर। पिता उनके लिए तू जॉब का प्रबंध और व्यवस्था करेगा, यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेस करेगा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते खुदा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया, तूने जॉब दे रहा है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जवानों के लिए और पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, जो गलत संगति में जा रहे परमेश्वर। पिता कई लोग अपनी पत्नी को छोड़कर गलत संगति में जा रहे, कई लोग अपने मम्मी पापा को छोड़कर गलत संगति में जा रहे, कई लोग नशे में होकर परमेश्वर लड़ाई झगड़े को पैदा कर रहे हैं परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, उस गंदगी से छुड़ा ले, उस बुराई से छुड़ा ले, उस अंधकार की शक्तियों से छुड़ा ले प्रभु यीशु के नाम से, उनका जीवन परिवर्तन हो जाए। और पिता परमेश्वर जो अपने पत्नी से दूर हो गया वो वापिस आने पाए, पिता परमेश्वर जो पत्नी अपने पति से दूर हो गई है वो वापिस आने पाए, जो बच्चे अपने पापा से दूर हो गए, मम्मी पापा से दूर हो गए वो वापिस आ जाए, जो मम्मी पापा वो घर में से दूर हो गए वो वापिस आ जाए प्रभु। दया कीजिए, उस संगति से निकालिए परमेश्वर, उस पाप और पाप से निकालिए, उस नशे से, उस लड़ाई झगड़े से निकालिए परमेश्वर। तू छू ले परमेश्वर, बचा ले, तेरे ही हाथों में सौंप देते प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता पिता परमेश्वर उन परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनमें लड़ाई झगड़े होते प्रभु, छोटी छोटी बातों में। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो पति अपने पत्नी को छोड़कर चला गया है, पत्नी अपने पति को छोड़कर चला गया है प्रभु। पिता परमेश्वर उन परिवारों को टूटने से, बिखरने से बचा ले प्रभु, कई व्यभिचार में फंस गए हैं परमेश्वर, तू बचा ले प्रभु, नरकी की आग से बचा ले, अंधकार की शक्तियों से बचा ले, शैतान के हर एक चाल से बचा ले प्रभु, टूटने और बिखरने से बचा ले। ऐसे परिवारों को तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने बचाएगा, तूने छुड़ाएगा और पिता परमेश्वर तू अपने पिता परमेश्वर उन लोगों को मिलाएगा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। तो परिवार को टूटने से बिखरने से बचाएगा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपने हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रब शंदा रब ओ रिखा ना ला रथी ना ला रब बाबा बरशका ना ला रथी, रिखा ना ला रथी ना ला रब बाबा बरशका ना ला रथी। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं, पिता परमेश्वर आपके नाम की जय जयकार करते हैं। पिता परमेश्वर उन जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो शादी ब्याह के लिए तैयार हो चुके हैं प्रभु। पिता परमेश्वर कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से ढूंढ रहे प्रभु, उनके लिए तू पिता परमेश्वर जीवन साथी का प्रबंध और व्यवस्था कीजिए खुदा, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए जीवन साथी का प्रबंध कीजिए खुदा। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते जिनके घर में कोई औलाद नहीं है खुदा,
यीशु मसीह के नाम से उनके वंश उत्पन्न होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके वंश उत्पन्न होने पाए, उनके बांझपन को खत्म कीजिए, उनके अनादर के बदले उन्हें दूना भाग मिले। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु, उन्हें औलाद देने जा रहे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो बिजनेस करते हैं प्रभु, कार्य धंधा करते हैं परमेश्वर, उनका बिजनेस सही से चलने पाए परमेश्वर, जिनको कार्य धंधा पिता परमेश्वर अभी तक नहीं मिला उन्हें मिल जाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो कार्य धंधा करते हैं बिजनेस करते हैं परमेश्वर उसमें आशीष दीजिए, अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएंगे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से गड़बड़ी की आत्मा खत्म हो जाए, बिगाड़ने वाली शैतान की शक्ति भस्म हो जाए, और उनका पिता परमेश्वर उनके कार्य में आशीषित कीजिए। खुदा तेरा धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। खुदा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर इन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते जो पिता परमेश्वर कोर्ट के केस में उलझे हुए प्रभु, पिता परमेश्वर तो छू ले प्रभु उन लोगों के लिए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने कैरेक्टर को वो सही रूप से पिता परमेश्वर साबित करने वाले बन जाए प्रभु, दया कर परमेश्वर उस भाई को तू छू ले प्रभु। पिता परमेश्वर वो तेरी नजरों में परमेश्वर उसने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन पिता परमेश्वर कई लोगों ने उसे फंसाया प्रभु। पिता परमेश्वर तू उस कोर्ट के केस से निकाल, दया कीजिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर उसके लिए जीवन साथी का प्रबंध कीजिए ताकि जिंदगी एक नए से शुरुआत करे, उसकी मम्मी को छू लीजिए परमेश्वर पिता, दया कीजिए रहम कीजिए, और परमेश्वर पिता उन्हें अभिषेक कीजिए, हिम्मत दे ही आप दे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, उस बहन को भी तू छू ले प्रभु, अपने चरित्र को वो सही साबित करने वाली हो जाए प्रभु, उस भाई को भी छू ले जिसका कोर्ट में केस चल रहे प्रभु, इन तीनों को परमेश्वर अभिषेक से भर दे, और पिता परमेश्वर छुड़ा लीजिए। उस लोग के लिए प्रार्थना करना चाहते हो जो जेल के अंदर बंद है प्रभु, उसे भी छुड़ा लीजिए प्रभु। तेरा धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थना को सुना प्रभु, ऐसी परिस्थिति से आप निकालोगे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते क्योंकि तू उनसे प्रेम करता है। पिता परमेश्वर एक माता अपने बच्चे को इतना प्रेम नहीं कर सकती उतना उनसे तू प्रेम करता है प्रभु, छुड़ा ले। तेरा धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, आपके नाम की महिमा हो खुदा। पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर राज्य से जिले से जितने भी पिता परमेश्वर प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, हम आप उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर कई ऐसे बुजुर्ग हैं परमेश्वर जिनको चलने फिरने की पिता परमेश्वर कमजोरी है, उन्हें ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, उनके जीवन से, उनके परिवार में से, उनके शरीर में से जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति भस्म हो जाए यीशु के नाम से, चंगाई दे, छुटकारा दे, पूरी तौर से अभिषेक से भर दीजिए। जवान के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है प्रभु, चंगाई दे, पूरी तौर से चंगाई दे प्रभु। पिता परमेश्वर भाइयों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो चल नहीं पा रहे प्रभु, उन्हें छुटकारा दे, चलने फिरने वाले बन जाए खुदा। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद उन बच्चों के लिए जो अभी अभी जन्माए हैं परमेश्वर, उनको स्वस्थ रखिए परमेश्वर, अभिषेक से भरिए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद खुदा। पिता परमेश्वर जितने भी मुंबई महाराष्ट्र से है, पुणे से है परमेश्वर, नासिक से, नागपुर से है, राजस्थान, जयपुर, जगदलपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से है परमेश्वर, हरियाणा, पंजाब से है परमेश्वर पिता, उत्तराखंड, झारखंड से है परमेश्वर, बिहार, पटना से परमेश्वर, आजमगढ़ से है परमेश्वर, दिल्ली से है पिता परमेश्वर, गुजरात से है पिता परमेश्वर, गोवा से है पिता परमेश्वर, बेंगलोर से है पिता परमेश्वर, असम और नेपाल से है पिता परमेश्वर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जितने भी पिता परमेश्वर विश्वासी गण है प्रभु, इस भारत देश के कोने कोने से जितने भी आज प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, यीशु के नाम से उन्हें अभिषेक से भर दे परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर संकल्प के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जिसके शरीर में कमजोरी है, चल नहीं पाता है, पैरों में दर्द है प्रभु, तू छुटकारा दे, उनकी भूमि को किसी ने हड़प लिया परमेश्वर, उसकी भूमि वापस मिल जाए, और उसके बेटे के लिए तू जॉब का प्रबंध व्यवस्था कीजिए प्रभु। विशेष करके उस माँ बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करना चाहते जो पिता परमेश्वर अपने बहू के द्वारा सताई जा रही प्रभु, पागलपन उसको पिता परमेश्वर करार दिया गया है प्रभु, लेकिन पिता आज तू उसे छुटकारा देगा यीशु के नाम से, अंधकार की शक्ति मिट जाए उस परिवार में से,
शैतान की योजना फेल हो जाए, तेरी बेटी के आंखों में से आंसू पोंछ दिए जाए। तेरा धन्यवाद खुदा। ऐसे कई बहनें हैं, ऐसे कई भाई बहन हैं प्रभु, जो अपने परिवार के द्वारा सताए जा रहे प्रभु, लेकिन तू उनसे प्रेम करता है पिता परमेश्वर, तू उनसे प्रेम करता है, उनके जीवन में तू शांति देगा, तसल्ली देगा परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। विशेष करके प्रभु तेरे दास के फैमिली के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु, जो तेरी सेवा करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, देश विदेश गांव शहर में रहकर जंगल में रहकर प्रभु जो तेरी सेवा करते हैं प्रभु, उनका किसी भी प्रकार का अनादर ना हो प्रभु, और तू उनके अनादर के बदले दूना भाग देगा और अपने भाग में से उन्हें खिलाएगा और उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। उनके द्वारा बड़े बड़े अच्छे कर्म होंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे, कोड़ी शुद्ध किए जाएंगे। तेरा धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। देश के कोने कोने, पृथ्वी के कोने कोने तक परमेश्वर जितने भी प्रार्थना करें, चाहे वो देश हो विदेश हो कहीं से भी, पिता परमेश्वर इस समय में उन्हें छू ले और अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, उनके नसों में अभिषेक से भर दे, उनके नसों में वो जान डाल दे, वो शक्ति डाल दे। पिता परमेश्वर तुझसे ज्यादा प्रेम करे, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंप देता परमेश्वर। जो कमजोरी महसूस करे प्रभु, उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। जिनका कोई औलाद नहीं है उन्हें औलाद दीजिए, जिनको कोई पिता परमेश्वर जॉब नहीं उन्हें जॉब दीजिए, जो जीवन साथी के लिए ढूंढ रहे प्रभु उनके लिए जीवन साथी का प्रबंध कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो पिता परमेश्वर लोन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं परमेश्वर, पिता परमेश्वर घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, तूने प्रबंध कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से वो प्रॉपर्टी को लेने पाएंगे और प्रभु आपकी महिमा होने पाएगी। धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। किसान भाइयों को तू छू ले प्रभु, उनकी फसलों में सुरक्षित रखिए प्रभु, आनंद से भरिए परमेश्वर, हर प्रकार का कर्जा, हर प्रकार का श्राप का बंधन टूट जाने पाए। तेरा धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को जवाब दे दिया पिता परमेश्वर। तू हमसे प्रेम करता है, एक माता अपने बाल बच्चों को छोड़कर चली जाती है, भूल जाती है, लेकिन तू हमें कभी भी भूलेगा नहीं, कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी त्यागेगा नहीं खुदा। तेरा धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते, सब बातें आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, हमारा जीवन प्राण देह आत्मा को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते, धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अवधि नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, एक माता अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर कचरे के डिब्बे में छोड़कर चली जाती है, भूल जाती है, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं ना तुझे कभी धोखा दूंगा ना कभी छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया, प्रभु आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, हम सबसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और प्रियो ध्यान दीजिए, यदि मैं किसी कारणवश आपके फोन कॉल को ना उठा पाऊं या स्विच ऑफ आता है, प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपकी प्रार्थना निवेदन का जरूर सम्मान करेंगे। स्वाटर कलिशा आपके लिए प्रार्थना करती है और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें, प्रभु की स्तुति करते रहें। सबको जय मसीह की।